तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कि मिस्टर फेजू का टिकटॉक अकाउंट है उनको कब तक वापस मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इनका टिकटॉक अकाउंट है वो सस्पेंड होने के बाद एक बार इनको लौटा दिया गया था, लेकिन वापस टिकटॉक अकाउंट पे इनके जो बैन लगा दिया गया। तो फिर ऐसे में अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इनको वापस इनका टिकटॉक अकाउंट कब तक मिल जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम 100% परफेक्ट न्यूज़ देने वाला हूँ इनके टिकटॉक अकाउंट के वापस आने को लेकर। तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं एक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं कुछ हटके। तो दोस्तों यहाँ पे आपने काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको बताया जा रहा होगा कि कल भी इनका जो टिकटॉक अकाउंट वापस मिल रहा है या फिर परसों मिल रहा है। तो यहाँ पे 100 बातों की एक बात है भैया, ये है कि इनका टिकटॉक अकाउंट इनको तभी वापस मिल सकता है जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, या फिर कोर्ट का फैसला जैसे ही आ जाता है उसके बाद इनका टिकटॉक अकाउंट इनको वापस मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है जो हैशटैग मुंबई है न्यूज़, उनके जो इंटरव्यू के अंदर जब सद्धू से पूछा गया कि इनको टिकटॉक अकाउंट कब तक वापस मिल जाएगा, तो सद्धू ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि उनको मतलब टिकटॉक अकाउंट कब तक वापस मिल जाएगा इसके लेकर उनको कोई अपडेट नहीं है और वो इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। ठीक है, तो ऐसे में जब तक कोर्ट का फैसला आ जाता है उसके बाद ही इनको टिकटॉक अकाउंट मिल जाएगा। तो फिर ऐसे में मतलब जैसे ही कोर्ट इनके आईडी को लेकर कोई भी फैसला दे देता है उसके बाद टिकटॉक क्या करेगा, टिकटॉक करेगा इनके आईडीज पे काम। जैसे कि आपको पता है इनके आईडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, देखना चाहते हैं तो फिर लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अलावा आई बटन में मिल जाएगी और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह जो कि इनको मतलब टेक्निकल इश्यू था वो सही करने के बाद इनको अकाउंट वापस मिल जाएगा। तो फिर अब बात करते हैं कि आखिरकार कोर्ट का फैसला कब आएगा। काफ़ी सारा लंबा टाइम हो गया लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं आ रहा कोर्ट की तरफ से, तो वो कब आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो मतलब जो इनके जो एडवोकेट है जिनका नाम है अली काशिफ जिन्हें मतलब वो है ना इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होता तो फिर वो है ना जल्दी से बता देते हैं। तो ऐसे में अली काशिफ की तरफ से इनका जो आईडीज को लेकर या फिर कोर्ट को लेकर इनका कोई भी मतलब अभी अपडेट नहीं आया कि मतलब वो इनकी जो पेशी होने वाली इनके बारे में कोई भी नहीं बताया। तो फिर इसको लेकर कोई भी अपडेट आता है कि मतलब इस डेट को अगर इनका जो कोर्ट का फैसला होने वाला है तो फिर वो मैं आपको वीडियो बना के सबसे पहले बता दूंगा। और अगर ये सब जानना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और हाँ ये बात कंफर्म है कि इनकी टिकटॉक आईडी इनको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो फिर बस इंतजार करना है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्दी इनकी आईडी मिल जाएगी। तो फिर बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।